यमुनानगर सचिवालय के बाहर किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल आज हरियाणा सरकार की मंत्री कविता जैन सचिवालय में एक बैठक लेने पहुंचने वाली थी। बगादपुर नलवी नहर को लेकर जगाधरी अनाज मंडी गेट पर बैठे किसान विरोध स्वरूप उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए सचिवालय के बाहर इकट्ठे हुए थे। पर इन किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी लगाया गया था और सचिवालय के गेट को बंद कर दिया गया, लेकिन किसान फिर भी नहीं माने और कुछ किसान सचिवालय के गेट पर चढ़कर अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। तभी पुलिस ने किसानों को वहां से खींच कर गिरफ्तार कर बस में बिठा लिया और कुछ देर बाद ही रिहा कर दिया गया। वहीं जब इस मामले पर कविता जैन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ और न ही मेरे संज्ञान में है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं इसकी जानकारी DC से जरूर लूंगी। यहाँ पर कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ है और यहाँ सब कुछ शांत माहौल है। कोई भी किसान उससे भी निश्चित रूप से मैं ये तो नहीं कहूँगी, मेरे दरबार दरवाजे हैं और हम जनता के ही सिपाही हैं, जनता के सेवक हैं। चाहे वो किसान के रूप में हो, व्यापारी के रूप में हो, हमें कभी भी मिल सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं अगर आपका कहना भी अगर सही है तो मैं उन किसानों से आग्रह करना चाहूँगी आपके माध्यम से वो आगे मिलेंगे। मैम मिलने ही तो नहीं दिया गया आपको? नहीं, आज ऐसा कुछ भी विषय नहीं हुआ हमारे संज्ञान में, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। देखिए निश्चित रूप से मैं अगर आपने इस बात को रखा है कि आपकी जिम्मेवार एक हमारे सेतु का काम करते हैं तो मैं इसकी जानकारी हमारे DC साहब से जरूर। क्या जो ये दादूपुर नलवी नहर है ये मामला इसी तरह ही उलझा रहेगा या इसका कोई समाधान भी हो पाएगा? निश्चित रूप से इसका समाधान होगा और आप इंतजार कीजिए। और निश्चित रूप से हमारे जो मुख्यमंत्री है और हमारी टीम पूरी इस बात में लगी हुई है कि इस बात का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। वहीं कविता जैन के पहुंचने से पहले हुए इस प्रदर्शन के बारे में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की बात जब मंत्री कविता जैन से पूछी गई तो उनका कहना था यहां पर ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, यह बिल्कुल शांत माहौल है। हम जनता के सेवक हैं, चाहे वह किसान के रूप में हो या व्यापारी के रूप में हो, हमें कभी भी मिल सकते हैं। अगर आपका कहना भी सही है तो मैं किसानों से आग्रह करना चाहूंगी कि वह आकर हमसे मिले। जब यह सवाल किया गया कि उन्हें आपसे मिलने नहीं दिया गया, आपके आने से पहले ही उठा दिया गया, तो कविता जैन का कहना था कि आज ऐसा कोई विषय नहीं हुआ। वहीं पत्रकारों के सवाल पर जैन ने कहा कि यदि आपने यह सवाल रखा है तो आप भी एक जिम्मेवार सेतु का काम करते हैं और मैं इसकी जानकारी DC साहब से जरूर लूंगी।